नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं जो टाटा पावर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, किस लेवल पे हम लोगों को फ्रेश बाइंग करना चाहिए और क्या हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटली पहले देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको टाटा पावर का जो है यहाँ पे कल आपको रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से जो है आपको इतना बड़ा मूवमेंट कंपनी स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से जो है एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। तो कल जो है यहाँ पे आपको दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसलिए जो है उससे पहले आपको मार्केट में थोड़ा इस स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है। अभी मेजर न्यूज की अगर बात करेंगे तो टाटा पावर में जो है आपको बोर्ड ने यहाँ पे एक अच्छा फैसला लिया है, जो सभी जगह जो है ये आपको चार्जिंग स्टेशन अपना जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है, जितने भी आपको कॉमर्शियल हब है वहाँ पे अपोलो टायर्स के साथ। तो ये जो है आपको एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब जो है हम लोग चलते हैं और जो है लास्ट के 3 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के भी कंपनी दिया है। अगर आप 3 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो 245% के अराउंड जो है इस कंपनी ने रिटर्न यहाँ पे आपको बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकली देखते हैं जो स्टॉक में कहाँ तक गिरावट हो सकती है, किस लेवल तक जो है स्टॉक जा सकता है। इससे पहले जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ पे, हम लोगों ने डिस्कशन आपको क्लियरली किया था, जो एक ब्रेकआउट हुआ है 250 के ऊपर जो है आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, वीकली चार्ट ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया था। बट यहाँ पे जो है आपको ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है आपको उस लेवल से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक अच्छा जो है अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन जो है आपको हो सकता है, और इसमें मेजर फॉल अगर आपको आएगा तो 200 के नीचे आएगा, क्योंकि अगर ये 200 के नीचे आपको स्टॉक निकलता है तो फिर जो है आपको इस स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक आपको 150 के लेवल तक भी इजीली यहाँ पे आपको जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको यहीं पे है। उससे पहले यहाँ पे जो है आपको बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। 3 वीक के अंदर जो है स्टॉक ने 150 से आपको 250 तक ट्रेवल किया था, और उसके बाद कंटिन्यू उसी लेवल पे यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे जो है अभी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है रिजल्ट से जस्ट पहले जो है। आपको बहुत से लोग यहाँ पे पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मेजर गिरावट तब होगा जब आपको यहाँ पे 200 का लेवल जो है आपको क्रॉस करेगा, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे मेजर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको स्टॉक को 150 के लेवल के अराउंड तक लेके जा सकता है। मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा आपको जब ये स्टॉक जो है 260 के लेवल के ऊपर आपको सस्टेन करेगा, तभी जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा गिरावट, एक अच्छा जो है ऊपर की साइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ऊपर की साइड एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए जितने भी लोगों के पास पोजीशन है वो लोग जो है अभी घबराए नहीं, इस स्टॉक में ज्यादा बड़ा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। रिजल्ट की वजह से जो है यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और इससे पहले कंटिन्यू इस स्टॉक यहाँ पे जो है आपको कंसोलिडेट कर रहा था। तो एक बार के लिए जो फिर से जो है लोअर लेवल को टच कर सकता है 200 को, और अगर 200 का ब्रेक होता है तो ही ये 150 के लेवल को जाएगा, नहीं तो यहाँ से 200 के लेवल से ये आपको वापस सपोर्ट लेके, जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे, वापस इसी स्विंग से सपोर्ट लेके फिर से आपको ऊपर की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।